हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग चैप्टर फर्स्ट ऑफ द 12th क्लास केमिस्ट्री. द नेम ऑफ चैप्टर इज सॉलिड स्टेट. इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड ऑन पैकिंग एफिशिएंसी एंड कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. नाउ टुडे वी विल डिस्कस और कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. Now, what is packing efficiency? We know packing efficiency is the total volume occupied by the sphere in unit cell to the total volume of the unit cell. Okay? It gives the total space in percentage, okay? Occupied by the sphere in a unit cell. Now packing efficiency in body centered cubic unit cell. Body centered unit cell. In body centered unit cell, the atoms are present in corners or one atom within the center of the unit cell. ठीक है, जो आपका body centered unit cell है उसमें क्या है, आपके particle present होते हैं, 8 particle present in corners. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्लस वन पार्टिकल प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल. ओके, नाउ एज लेंथ इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर. ठीक है, बिकॉज इन क्यूब द एज लेंथ आर ऑल एज लेंथ आर इक्वल. सो द एज लेंथ ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर. नाउ रेडियस ऑफ द स्फेयर, जो आपके ये स्फेयर है, पार्टिकल्स है विद इन द यूनिट सेल. ठीक है, तो उनकी रेडियस क्या है आपकी, आर सेंटीमीटर. ठीक है, आर सेंटीमीटर. फिर है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब. ठीक है, अब हमने इस क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम किसी भी क्यूबिक स्ट्रक्चर का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. अब लेंथ भी आपकी इक्वल है, ब्रेथ भी इक्वल है और आपकी हाइट भी इक्वल है. ठीक है, तो ये क्या है, a इंटू ए मीन्स ए क्यूब आ जाएगा. ठीक है, ए क्यूब सेंटीमीटर. वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, स्फेयर का वॉल्यूम आपने मैथमेटिक्स में फॉर्मूला पढ़ा होगा, जब हम स्फेयर का वॉल्यूम निकालते हैं तो किसके इक्वल आता है, 4/3 πr³ के. ठीक है, ये आपने याद रखना है. ठीक है, फिर आपने निकालनी है पैकिंग एफिशिएंसी. ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी आपकी कैसे आएगी, परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी, टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर इन द यूनिट सेल. टोटल जो स्फेयर का वॉल्यूम है यूनिट सेल में कितना है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल की, और यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, और मल्टीप्लाई करना है उसको 100 से. ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम, स्फेयर का क्या आ गया, 4/3. ठीक है, तो ये तो आ गया वॉल्यूम 4/3 πr³ इंटू जेड इफेक्टिव. अब जेड इफेक्टिव आपके पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. ठीक है, या इन एनी यूनिट सेल. अब आपकी जो एटम्स है वो क्या है, वेरी करता है यूनिट सेल में. ठीक है, अब आपने प्रीवियस में जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें स्टडी किया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में. ठीक है, तो उसमें कितने टोटल प्रेजेंट थे, वन एटम ही प्रेजेंट था आपका विद इन द यूनिट सेल. और जो आपका ये आ गया सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, इसमें क्या है, वन एटम तो आपका सेंटर पे प्रेजेंट है. ठीक है, अब प्रीवियस में आपने देखा वन एटम आपके कॉर्नर से फॉर्म हो रहा है, क्योंकि जो कॉर्नर का एटम है, वन एटम, ये 8 यूनिट सेल आपके शेयर कर रहे हैं, तो वन यूनिट सेल के पास सिर्फ 1/8 पार्ट का कंट्रीब्यूशन है. तो टोटल इनको जब 1/8 पार्ट को ऐड किया, ठीक है, तो ये क्या, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, आ गया वन एटम का. ठीक है, तो 1+1 = 2 एटम. ठीक है, एक सेंटर वाला हो गया, एक कॉर्नर्स वाले मिला के 1 एटम फॉर्म कर रहे हैं. तो बॉडी सेंटर्ड में आपके कितने एटम है, 2 एटम. ठीक है, तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव क्या आ जाएगा, 2 आपका. फिर अपॉन वॉल्यूम ऑफ द
आपका क्यूब कितना है, ए क्यूब इंटू 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब पुटअप कर दो वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जेड इफेक्टिव आपका 2, क्योंकि आपकी बॉडी सेंटर में क्या है, 2 एटम प्रेजेंट है, अपॉन ए क्यूब, ठीक है। तो ये आ गई आपकी इंटू 100 से मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी। फिर हमने क्या है, अब इसका आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। कोई भी ये आपका ले लो, बॉडी सेंटर क्यूब है, ठीक है। तो इसमें पार्टिकल आपके कैसे अरेंज्ड होंगे, जो ये पार्टिकल है, ठीक है। तो वन पार्टिकल आपका सेंटर में है, ठीक है। एक तो ये पार्टिकल है आपका, ठीक है। एक आपका यहाँ पे पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है, और एक पार्टिकल आपका सेंटर में विद इन द यूनिट सेल, ठीक है, ये लगा लो ऐसे, विद इन द यूनिट सेल, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये क्या है, रेडियस आर है, ये भी आपकी आर है, यहाँ पे भी इस स्फेयर की क्या है, आर रेडियस है, ठीक है। तो ये भी आर है, टोटल कितना हुआ ये 2R, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, ये क्या है, ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है ए सी डी, ठीक है, सेंटर से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम ए बी सी जो आपकी टॉप का है ये देखेंगे, ये ट्राइंगल फॉर्म जो हो रही है, ठीक है, ए सी की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ए, तो ए बी में क्या है, ये तो एज लेंथ आ रही है हमारी ए बी और बी सी, ठीक है। तो यहाँ से हम ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या है, ए सी की वैल्यू ये फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी और सी से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब वैल्यू पुटअप करो, ए बी की क्या है, एज लेंथ क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्या आ गया, टोटल 2A स्क्वायर, ठीक है। फिर बात करेंगे ए डी सेकेंड ट्राइंगल की, ए डी सी, ठीक है, या ए सी डी, ये वाली ट्राइंगल की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट होता है, इन ट्राइंगल ए डी सी, तो यहाँ पे हमने ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर की वैल्यू तो हमने ये निकाली 2A स्क्वायर, ठीक है। तो पुट अप कर दो 2A स्क्वायर प्लस सी डी की वैल्यू क्या है ये, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, एज लेंथ है, तो A स्क्वायर, ठीक है। तो ये टोटल क्या हो गया, 3A स्क्वायर हो गया ना, ये 3A स्क्वायर के, ठीक है। तो अगर हमने ए डी, ये तो ए डी स्क्वायर है ना, ए डी की क्या है, अंडर रूट 3A स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ए बाहर आ जाएगा आपका, अंडर रूट 3 ये आ जाएगी वैल्यू ए डी की, ठीक है। अब क्या है, आपने ये डायग्राम देखो, यहाँ से ये भी क्या है ए डी, ठीक है, ये ए डी आपकी क्या है, ऐसे अटैच्ड है ये वाला डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल क्या है, ऐसे अटैच्ड है एक दूसरे से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका, ए डी क्या है, इक्वल टू आर प्लस, ठीक है, 2R, ठीक है, प्लस R, विच इज इक्वल टू 4R। अब कंपेयर करो दोनों इक्वेशन को, ठीक है, कंपेयर पे क्या हुआ, 4R इज इक्वल टू A अंडर रूट 3, ठीक है। अब A 4R इक्वल टू A अंडर रूट 3, तो यहाँ से R क्या आ गया, A अंडर रूट 3 अपॉन 4, ठीक है। अगर A की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो यहाँ पे A अंडर रूट 3, तो ए इक्वल टू, ठीक है, 4R अपॉन अंडर रूट 3, ठीक है। अब ए की वैल्यू आपने पैकिंग फ्रैक्शन में यहाँ पे पुट अप कर देनी है, ये जो वैल्यू है ना यहाँ पे, ठीक है, ए की वैल्यू तभी निकाली ना हमने, यहाँ पे पुट अप करनी है इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। अब पुट अप करो परसेंटेज, ठीक है, अब 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 2 अपॉन 4R इंटू अंडर रूट 3 का क्यूब, ठीक है, 3 का क्यूब ये आ गया। अब क्या है, 4/3 पाई अंडर रूट 3 को क्या है, ऊपर ले जाओ, पहले इसको सॉल्व करो,
आर क्यूब, फोर इंटू फोर इंटू फोर इंटू आर क्यूब, आर क्यू से आर क्यू कैंसिल हो गया, अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री, ठीक है। तो ये क्या है आपका, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, ठीक है। अब थ्री क्या है, अंडर रूट थ्री इंटू जो आपका अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री क्या होता है, इक्वल टू थ्री, ठीक है। तो ये थ्री तो आपका कैंसिल हो गया, टू अंडर रूट तो आपके कैंसिल हो गए। तो अब क्या है, फोर यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है आया यहाँ पे, अंडर रूट थ्री पाई अपॉन एट, ठीक है। अंडर रूट थ्री पाई अपॉन एट इंटू हंड्रेड से भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब क्या है, अब हम वैल्यू पुट अप करेंगे, अंडर रूट थ्री इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 अपॉन एट इंटू हंड्रेड। अब अंडर रूट थ्री की वैल्यू क्या होती है आपकी, यहाँ पे पुट अप कर लो, अंडर रूट थ्री की वैल्यू होती है आपके 173 इंटू 3.14 अपॉन एट इंटू हंड्रेड, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये वाली इक्वेशन जो भी है सॉल्व करेंगे, तो परसेंटेज आपके पास क्या आ जाएगी, अप्रोक्सीमेट 68%, ठीक है। अब जो आपके बॉडी सेंटर में है वो 68% स्पेस आपका ऑक्यूपाइड हो जाता है, ठीक है। तो जो परसेंटेज ऑफ वॉइड, वॉइड मतलब जो वेकेंट स्पेस है वो कितना रह जाता है, 100 में से माइनस कर दो 68, तो 32% आपका वेकेंट एम्प्टी स्पेस रह जाता है, ठीक है। तो प्रीवियस में जो आपका था वहाँ पे क्या था, जो आपका सिंपल क्यूबिक सेल था उसमें 52% आपका ऑक्यूपाई हो रहा था, 48 आपका वेकेंट रह रहा था स्पेस, ठीक है। और यहाँ पे आपका बॉडी सेंटर में क्या है, 68% ऑक्यूपाई हो रहा है और 32% आपका